हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपियाना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा बेबी शावर केक। सबसे पहले हमें शूज बनाना है, तो यहाँ मैंने ब्लू कलर का फोंडेंट लिया है और इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा टाइलोस पाउडर ऐड करेंगे। जब भी आप फोंडेंट से कोई भी फिगर बनाए तो टाइलोस पाउडर को जरूर ऐड करें, जिससे आपका जो फिगर है वो मेल्ट नहीं होगा। तो यहाँ मैंने टाइलोस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का यूज किया है। शूज बनाने के लिए यहाँ मैंने नेट से शूज डिजाइन निकाली थी और इसे मैंने काट लिया है। आप प्रिंट करवा के उसके बाद उसे काट लें तो ये गर्ल का जो शूज होता है उसका ये पेपर का डिजाइन है। इसे हम साइड में रख देते हैं क्योंकि हम पहले बॉय का शूज बना रहे हैं, तो इसमें ABCD लिखा रहता है। बस आपको इसे रखना है कुछ इस तरह और इस तरह आपको फोंडेंट को कट कर लेना है। जो जो डिजाइन इसमें दी है सभी को आपको इस तरह काटना होगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा फास्ट दिखाया है, अगर स्लो दिखाऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। और उसके बाद जो भी फोंडेंट बचे उसे मिक्स करके फिर स्ट्रेच एंड फोल्ड करें और उसके बाद जो डिजाइन बच रही है उसे आप काट लें। तो यहाँ मैंने थोड़े से गर्म पानी में टाइलोस पाउडर ऐड किया है और ये ग्लू बन गया है और ये बहुत ही स्टिकी होता है, जिससे आपका फोंडेंट बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। और उसके बाद जो आपने फोंडेंट कट किया है, जो डिजाइन बनाई है शूज की, उसे असेंबल करना है यानी सेट करना है। तो बस आपको ग्लू लगाना है और कुछ इस तरह शू को असेंबल करना है। तो कुछ इस तरह का शूज तैयार हो चुका है। तो ये फोंडेंट अभी बिल्कुल सॉफ्ट है, हार्ड नहीं हुआ है, तो अंदर मैंने डाल दिया है टिश्यू पेपर, जिससे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और जब ये सेट हो जाएगा तब हम टिश्यू पेपर को निकाल देंगे। तो यहाँ हम साइड में यानी जो आगे का हिस्सा है यहाँ हम वाइट बॉर्डर लगा रहे हैं, जैसे शूज पे होता है। आप शूज को किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे ये बॉय का शूज है तो ब्लू कलर का बनेगा और गर्ल के लिए हम लोग पिंक कलर यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह मैंने डिजाइन बना दी है, साइड में इस तरह बना रहे हैं यानी छेद बना रहे हैं और इसमें इस तरह की व्हाइट लेस लगा देते हैं। तो ये सब कुछ फोंडेंट है, इटेबल है, आप इसे खा भी सकते हैं। तो बस इसे आप ध्यान से देखें और इस तरह आप बहुत ही आसानी से फोंडेंट से शूज बना सकते हैं और सभी तरह के जो टॉपर्स होते हैं उसे बना सकते हैं और केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो बॉय का शूज है ये बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे हम साइड में रखेंगे जब तक ये हार्ड नहीं हो जाता। आप गर्मी बना रहे हैं तो इसे AC वाले रूम में रखिएगा। तो यहाँ मैंने जो गर्ल का शूज था उसे कुछ इस तरह काट लिया है और ये देखिए इस तरह असेंबल करना है। इसमें भी अंदर टिश्यू पेपर डाल देते हैं जिससे ये हिले ना और बिल्कुल सेट हो जाए। तो बहुत ही आसान होता है फोंडेंट से काम करना, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए, फोंडेंट को हैंडल करना आना चाहिए और बहुत ही आसान हो जाता है फोंडेंट से टॉपर्स बनाना और केक को डेकोरेट करना। तो यहाँ जो गर्ल का शूज है ये भी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये देखिए इसमें हम आगे बो लगा देते हैं जिससे ये बहुत ही प्रिटी लगेगा। और इसके बाद इसे हम रख देंगे, कम से कम मैंने यहाँ 12 घंटे के लिए रखा था क्योंकि अभी विंटर है, सर्दी है, तो बहुत ही जल्दी ये हार्ड हो जाता है। गर्मी में कम से कम इसे 24 घंटे रखिएगा। अब हमें फटाफट केक बेक करना है, तो यहाँ हम ओडी को बेक का यूज करेंगे। तो ये राउंड कट में भी आता है जिसे यूज करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ हम 8 इंच का केटिन यूज करने वाले हैं, तो 8 इंच का जो ओडी को बेक है जो पहले से कट है इसे लगा देते हैं और साइड में हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो ओडी को बेक को लंबा काट के साइड में भी लगा सकते हैं। केक को हम प्रेमिक्स से बनाने वाले हैं, तो यहाँ मैंने 300 ग्राम चॉकलेट प्रेमिक्स लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल जो मैदे से केक बनता है उससे भी बना सकते हैं 1.5 कप रेशियो से। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम प्रेमिक्स लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और सेमी थिक बैटर तैयार कर लिया है। 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। फटाफट इस बैटर को हम केक टिन में डाल देते हैं और बढ़िया से इसे टैप कर देंगे। सबसे पहले इसे ऊपर से इवन कर देते हैं, उसके बाद टैप कर देते हैं। इस केक को आप कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर लगभग 40 से 45 मिनट लगेगा, पर इसे हम बेक करने वाले हैं अवन में। तो यहाँ मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था क्योंकि हम प्रेमिक्स से केक बना रहे हैं, तो 160 डिग्री या 170 डिग्री पर ही इसे बेक करें। तो यहाँ मैं 160 डिग्री पर इसे बेक कर रही हूँ और लगभग 30 से 35 मिनट में ये केक बेक हो जाएगा।
केक बेक हो चुका है और हल्का सा ठंडा हो गया है, तो सबसे पहले साइड से इसे क्लीन कर लेते हैं और इसे पलट लेते हैं, यानी डीमोल्ड कर लेते हैं, और जो इसमें ओडी को बेक लगा है उसे निकाल देंगे। केक बहुत ही बढ़िया बना है क्योंकि ये प्रीमिक्स से बना है। आप इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स यानी मार्केट का प्रीमिक्स घर पर भी बना सकते हैं, रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो केक ठंडा हो चुका है, फटाफट इसे तीन लेयर में कट कर रहे हैं। फटाफट अब हम केक बना लेते हैं। तो केक बोर्ड पर मैंने थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगाकर केक की एक लेयर को सेट कर दिया है। शुगर सिरप लगा देते हैं, तो यहाँ मैं स्प्रे बॉटल का यूज कर रही हूँ, और इसके बाद थोड़ी सी व्हिप क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। क्रीम की मैंने बहुत ही पतली लेयर लगाई है क्योंकि इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं चेरी। तो यहाँ जो टिन वाली चेरी आती है उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाला है, और एक बार फिर से थोड़ी सी व्हिप क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। तो बाद में थोड़ी सी क्रीम आप जरूर लगाएं अगर आप चेरी यूज कर रहे हैं या मिक्स फ्रूट यूज कर रहे हैं, क्रीम लगाना बहुत ही जरूरी है। अब मैंने केक की सेकेंड लेयर को सेट कर दिया है, शुगर सिरप लगा दिया है, क्रीम को स्प्रेड कर दिया है, चेरी डाल दिया है, थोड़ी सी व्हिप क्रीम डालकर इसे सेट कर देते हैं, और केक की जो थर्ड और आखिरी लेयर है इसे सेट कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर शुगर सिरप लगा देते हैं और इस केक को हम कवर करेंगे क्रीम से। तो सबसे पहले हमें क्रम कोटिंग करना है और उसके बाद फाइनल कोटिंग करना है। क्रम कोटिंग में क्रीम की बहुत ही पतली लेयर केक के ऊपर लगाई जाती है जिससे केक के जो क्रम होते हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, और इसके बाद इसे फ्रिज में रखा जाता है लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप रख सकते हैं, और उसके बाद आप फाइनल कोटिंग करें। तो यहाँ मैंने क्रम कोटिंग कर ली है और उसे मैंने फ्रिज में भी रख दिया था। अब हमें फाइनल कोटिंग करनी है, तो यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम डालकर और अब हम केक पे इसे लगा रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और इसके बाद हमें फाइनल कोटिंग करनी है, यानी जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे निकाल देना है और बढ़िया फिनिशिंग लानी है इस केक में। तो जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है इसे निकाल देंगे, एजेस बना लेंगे और बढ़िया से इस पर फिनिशिंग ले आएंगे। अब मैंने सिलिकॉन ब्रश लिया है और इससे केक पे बहुत ही प्यारी डिजाइन बनती है। बस आपको केक को घुमाना है और ये देखिए कितनी प्यारी सी लाइनिंग बन गई है। और अब हम जो भी फोंडेंट के टॉपर्स बनाए हैं और इस तरह का जो बॉर्डर बनाए हैं इसे असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये सेमी फोंडेंट केक है, यानी यहाँ मैंने व्हिप क्रीम पे फोंडेंट का काम किया है, तो कोशिश करें कि ये जाड़े में ही काम करें। गर्मी में कर रहे हैं तो जब आपको इसे यूज करना है यानी केक को खाना है या किसी को देना है तभी फोंडेंट का वर्क करिएगा, नहीं तो आपका जो फोंडेंट है वो मेल्ट होने लगेगा। फोंडेंट लगाने के बाद केक को आप फ्रिज में ना रखें, एसी वाले रूम में रखें जिससे आपका फोंडेंट मेल्ट नहीं होगा। और जब भी आप फोंडेंट के टॉपर्स बना रहे हैं तो उसमें टाइलोस पाउडर को जरूर ऐड करें। तो यहाँ मैंने केक पर जो भी शूज बनाए हैं इसे कुछ इस तरह असेंबल कर दिया है, छोटे छोटे इस तरह के राउंड मैंने फोंडेंट को काट लिया है और केक पे कुछ इस तरह डेकोरेट कर रहे हैं, और नीचे आप बॉर्डर देख सकते हैं मैंने किस तरह बनाया है। और बीच में मैंने जो जगह छोड़ी है वहाँ मैंने बहुत ही प्यारा सा कुछ लिख के और लगा दिया है। मैंने ये फोंडेंट पे ही लिखा है और इस तरह लगा दिया है। तो यहाँ जो बेबी शावर केक है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। आप भी घर पर ही बहुत ही आसानी से इस तरह फोंडेंट वर्क कर सकते हैं और केक को बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।